नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। पश्चिमी चंपारण जिले में कोरोना वायरस से बचाव के लिए राज्य सरकार ने पंचायत के मुखिया और ग्राम सेवक के खाते में पंचम योजना में राशि भेजने का दावा हवाई साबित हो रही है। कंड बघाए एक के लघु ना 74वां पंचायत में कोरोना वायरस महामारी को लेकर मुखिया प्रतिनिधि आनंद साई द्वारा निजी फंड से सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। मुखिया प्रतिनिधि आनंद साई ने बताया, पंचायत की जनता की सेवा करने मेरी पहली प्राथमिकता है। वार्ड सदस्य प्रतिभा हालदार, समाज सेवी तपन हालदार और वार्ड प्रतिनिधि उमा शंकर प्रसाद, लघुना 74वां कचहरी सचिव उमेश कुमार दुबे, विकास मित्र छोटेलाल राम, पंचायत सचिव रामचंद्र काजी सैनिटाइजर की छिड़काव कराने में शामिल रहे। बिहार पश्चिमी चंपारण से ब्यूरो चीफ जयसिंहा की रिपोर्ट। जी, अपना परिचय दिया जाए। मैं आनंद साई, ग्राम पंचायत राज लघुनाहा 74वां मुखिया प्रतिनिधि। छिड़काव जो हो रहा है दवा का, ये किस माध्यम से हो रहा है? अभी तो फिलहाल अपने पास से हो रहा है। सरकारी निर्देश हम लोग को प्राप्त है कि पंचम वित्त आयोग से पंचायत की राशि से खर्च किया जा सकता है, सैनिटाइज माने ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा सकता है। कई जगह लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि पंचायतें में 9 लाख रुपये आ गया है, इस तरह का बात है। लेकिन जिनको भी RTI दाखिल करना है पंचायत पर, वो लोग डाल सकते हैं, सबका अधिकार बनता है। रही बात कि हमको जो पता है कि ये एक जनवरी से लेकर और आज 19/4/2020 है, आज तक एक भी रुपया पंचम मद में हम लोग को प्राप्त नहीं है। जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग का कर्तव्य बनता है कि इस महामारी में जनता की सेवा करें, छिड़काव हो सके, राशन लोगों को जो सरकार से मिल रहा है सही बात है, जिनको नहीं मिल रहा है उन लोग को भूखे हम लोग नहीं रहने देंगे। अपने स्तर से होगा, जन सहयोग से होगा, हम लोग हर हालत में उन लोग की मदद करेंगे। बिहार सरकार के द्वारा जो बाहर फंसे हुए हैं उनको 1,000 रुपया राशि मुहैया कराई गई है। बहुत लोगों के खाते में गई है, बहुत लोगों के खाते में नहीं गई है। हम लोगों से बहुत लोग संपर्क कर रहे हैं तो हम लोग अपने पास से भी उनके खाते में जो हम लोग से बन रहा है, बाहर फंसे हुए हम लोग का कर्तव्य बनता है कि उन लोग को हम लोग से यहाँ पे भी वैसी कुछ लोगों की स्थिति बनी हुई है, जो लोग कुछ बिना राशन के हैं उनको हम लोग उपलब्ध अपने पास से भी करवा रहे हैं। और हम लोग का जितना भी इस महामारी में हम लोग से हो सकेगा उतना हम लोग करेंगे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल।